गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ अभिया वालों के बारे में। ओह माय गॉड, क्या गंद मचाते यार ये लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ट्विटर से ना उतना अवेयर नहीं थी, ना ही कभी उतना यूज़ किया था और उतना इंटरेस्टेड भी नहीं थी। बट पोस्ट बिग बॉस मैंने ट्विटर ज्वाइन किया तो सपोर्ट अभी देखने के लिए, वहाँ क्या चल रहा है। नहीं, एंड माय गॉड, द लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी देयर, इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी, क्यों? हमारी जीयू दीदी ने क्या किया है, उन्होंने ब्रॉडकास्ट चैनल खोला है अपना, बहुत बढ़िया। वैसे वो अपने लोगों को जिया की जनता बताती है, पर ब्रॉडकास्ट चैनल का नाम रखा है जे स्क्वाड। एक बात बताइए जिया दीदी, आपको समझ में नहीं आता है या आपको कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए होता है न्यूज़ पे बने रहने के लिए? जिया को बहुत अच्छे से पता है कि क्या चीज़ करेगी तो लोग उसके बारे में बात करेंगे, और जितने लोग उसके बारे में बात करेंगे ऑफकोर्स वो उतना एंगेजमेंट उसे मिलेगा, वो बनी रहेगी न्यूज़ में। तो वो बनी रहने के लिए ना ऐसा कुछ भी करती रहती है जिया दीदी, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट चैनल तो बना दिया, ऊपर से उसमें चार्ज भी लगा दिया मतलब ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करता है? ऊपर का माला खाली है बिल्कुल। सही में ब्रॉडकास्ट चैनल में जिया दीदी ने जो है सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऐड कर दिए हैं। अगर आपको उसका ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करना है तो आपको 180 rupees पर मंथ पे करना पड़ेगा। मेरे पास लव्स नहीं है, अल्फाज नहीं, कुछ नहीं है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अभिषेक की और मनीषा की कि उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया है, अपने फैंस को लूटने का काम तो नहीं किया है। जिया दीदी के पास इतना पैसों की कमी आ गई, ऑफकोर्स काम नहीं मिल रहा है। बिग बॉस OTT2 के बाद तो मैडम को बस दो ही काम मिले हैं, उसके बाद से तो मैडम कुछ भी नहीं कर रही है, तो पैसों की ज़रूरत तो पड़ती होगी, वैसे ही पड़ रही है पैसों की ज़रूरत। बट ऐसे ऐसे अपने फैन से कौन पैसे लेता है यार। वैसे जिया दीदी ने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, वहाँ पर लिखा था कि डोंट सेंड मी गिफ्ट्स, मुझे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, रादर देन दैट आप उसको डोनेट कर दीजिए किसी ऐसे को जिसको उस चीज़ की ज़रूरत हो। और आज खुद ही मांग रही है कि मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करना है तो मुझे पैसे दो फिर ज्वाइन करो। अब इस चीज़ पे जो है ट्विटर पे बवाल मचा हुआ है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लोग इसको लेके हंसेंगे और सब हंस रहे हैं। तो कुछ ट्वीट्स के रिप्लाई जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। तो पहला, किसी एक ने इसी चीज़ के रिगार्डिंग एक ट्वीट किया है, तो ये भी हमारे अभिया फैंडम से है। इन्होंने लिखा है, ग्रो अप, तुम जैसे हेटर्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है ये सब, पैसे की कमी के लिए नहीं, #अभिया। लाइक सीरियसली बहन। और नीचे उसने ट्रिगर्ड इंसान के चैनल का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, लाइव इंसान चैनल का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है जहाँ पे मेंबरशिप खरीदने के लिए एक ऑप्शन होता है। कहाँ है भाई यूट्यूब मेंबरशिप देता है फीचर करने के लिए? और सबसे बड़ी बात, अगर आप यूट्यूब पे मेंबरशिप नहीं भी लेते हो फिर भी आपको उनका कंटेंट दिखता है, वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते अपने कंटेंट दिखाने से कि अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो तो आपको नहीं दिखाया जाएगा हमारा कंटेंट, ऐसा नहीं है। तो YouTube में और Instagram ब्रॉडकास्ट चैनल में पैसे मांगना इज डिफरेंट। नेक्स्ट, तो यहाँ पे किसी अभिषा फैन ने ट्वीट किया था, जिया शंकर प्रोजेक्ट्स पोस्ट बीबी ट्विटर स्पेस 200, जो कि सही बात है। पेड टाइम स्क्वायर अपेयरेंस फॉर $11, वो भी 15 सेकेंड। हाँ, ये भी चीज़ है कि जिया दीदी ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे ये डाला है कि उनको टाइम स्क्वायर पे जो है फीचर किया गया है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ना। इस अचीवमेंट के लिए तो अब तक अभिषेक, मनीषा और एलविश को अवार्ड्स मिल जाने चाहिए थे, क्योंकि वो लोग इतने बार फीचर हो चुके हैं, खासकर अभिषा
खासकर अभिषेक और मनीषा इतने बार फीचर हो चुके हैं, उनको तो अवार्ड दे देना चाहिए था फिर। और नेक्स्ट उन्होंने लिखा है, बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर नो वर्क आर्टिस्ट, लेट्स क्राई देम विद देयर गवार फैंस एंड शी इज टेकिंग मनी फ्रॉम फैंस फॉर पेट्रोल। लाइक कोई आर्टिस्ट अपने कॉन्टेंट दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है, वो भी 180 रुपए में। छिया दीदी, इतनी पैसे की कमी कैसे आ गई आपको? और इसके फैन मनीषा को ना जाने क्या 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 बोलते रहते हैं, गवाड़, गाँव वाली, पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, क्लास नहीं है, शी इज़ नॉट क्लासी। बहुत अच्छा क्लास दिखा रही है आपकी दीदी वैसे, बहुत बढ़िया। तो इसी ट्वीट के नीचे कुछ अभिया वालों ने अपने विचार डाले हैं, ये पढ़ते हैं। तो एक अभिया वाले ने यहाँ पे लिखा है, बेटा पहले अपने बाप से पैसे लेके अपने आइडल को एक रिक्शा दिला दे, क्योंकि तेरे आइडल का अचीवमेंट बीबी के बाद अभी तक एक ऑटो भी खरीद नहीं पाई। आय हाय हाय हाय, कोई इन गवाड़ों को समझाओ। अभिषेक ने ट्वीट किया था ना कुछ दिन पहले कि इनका दिमाग घुटनों में है। सही में घुटनों में है यार, सही में घुटनों में। मैं बता तो रही हूँ, मतलब आपके पास पैसा है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको गाड़ी लेना पड़ेगा, ज़रूरी है। ये कैसा लॉजिक हुआ भाई? भाई मनीषा एक बहुत छोटे से शहर से आती है, एक छोटे से जगह से आती है जहाँ पे उसने स्ट्रगल देखा है, जहाँ पे उसको पता है पैसों की अहमियत क्या होती है। अभी भाई गॉड ग्रेस, भगवान की दया से वो इतना अच्छा काम कर रही है, पैसे कमा रही है, तो उसको पता है कि सही इन्वेस्टमेंट कब और कहाँ करना होता है। ऐसे नहीं कि बीबी से निकल के जितना पैसा मिला था उसमें से गाड़ी ले लूँ और अपना स्टेटस मेंटेन करूँ। भाई अब देखो, आपकी दीदी बीबी से निकल के गाड़ी ले ली BMW, अब उसके EMI नहीं दे पा रही है, काम नहीं मिल रहा है ना, EMI भी तो देने होते हैं। तो अभी आप ही लोग पे करो, अभिया वालों पे करिए अपनी दीदी को 180 रुपये करके, ताकि वो अपने गाड़ी के EMIs भर पाए। तो उसी ट्वीट के नीचे एक और कमेंट था जहाँ पे ये लिखा हुआ है, आई एम स्टिल थिंकिंग फैंस बनने के लिए कौन सा सेलेब 3 ships चलाते हैं, और आई फील शी नोज उसको फैंस सिर्फ ships से ही जानते हैं। मतलब इस बंदे के हिसाब से मनीषा की कोई आइडेंटिटी नहीं है, मनीषा 3 ships चलाती है और इसीलिए अपने ships की वजह से वो जानी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिग बॉस में सेकेंड रनर अप मनीषा रानी, फर्स्ट अचीवमेंट, आपकी दीदी पता नहीं कब निकल गई थी। पब्लिक ने तो जवाब उसी दिन दे दिया था। नेक्स्ट जमुना पार्ट, निकलते ही फर्स्ट प्रोजेक्ट किसके साथ? टोनी कक्कर, नेहा कक्कर के साथ, जो कि बॉलीवुड के बहुत बहुत जाने माने सिंगर्स हैं, ट्रेंडिंग सिंगर्स हैं। उनके साथ म्यूजिक वीडियो। सेकंड पायल देव, जिनके साथ बादशाह काम कर चुके हैं, जिनके साथ जैकलिन फर्नांडिस काम कर चुकी है, पायल देव की म्यूजिक वीडियो नज़र ना लगे। उसके बाद टोनी कक्कड़ की ही एक और सॉन्ग जिसपे वो फीचर हुई थी, एक जो टोनी कक्कड़ का उन्हीं दोनों का वीडियो यूज़ किया, अचीवमेंट नंबर 4 सर। फिर आता है बुलेरो एल्विश यादव के साथ। भाई आपकी जी उपाय ने क्या किया एग्जैक्टली बिग बॉस से निकलने के बाद? इंटरव्यू, एक और इंटरव्यू, एक और इंटरव्यू। मैडम सिर्फ इंटरव्यू ही दी जा रही है, कोई काम धंधा नहीं है, कोई काम ऑफर ही नहीं कर रहा है। और इंटरव्यू में भी मैडम क्या कर रही है? सिर्फ अभिषेक को शेड कर रही है बैठ कर, सिर्फ अभिषेक को शेड की जा रही है बैठ कर। जब तुमको पता है कि तुम्हारे साथ किसी का नाम जोड़ा गया है या एक शिपिंग कुछ लोग चलाते हैं, तुम आके ट्विटर पे ऐवे ही
एवी प्ले बॉय बोल दे रही हो किसी को, इंटरव्यू में जाके बोल दे रही हो कि उसने मेरा दिल दुखाया है, किस चीज़ का, किस चीज़ का भाई? मैं तो बात नहीं करूँगी उनसे। अरे मत कर, कौन बोला है देखो बात करने के लिए यार, मतलब। और जब मनीषा और अभिषेक का रियूनियन हुआ उसके बाद, उसी दिन शायद, या उसी दिन मैडम ने स्पेस में आके अपने अभिया वालों को उकसा के गई है और ये बोल के गई है कि आपके जो डिलेलूज है वो मैं नहीं तोड़ती, मैं नहीं हूँ आपके डिलेलूज तोड़ने वाली। मतलब इनडायरेक्टली वो अपने अभिया वालों को बोल रही है कि जाके अभिषेक को गाली दो, भाई कुछ काम धंधा दिलवाओ यार अभिया वालों, क्या कर रहे हो तुम लोग, अपनी दीदी को कुछ काम धंधा दिलवाओ, नहीं तो यही सब करती रहेगी वो न्यूज़ में बने रहने के लिए, यही सब करती रहेगी, आप लोगों से पैसे मांगते रहेगी। जिसने ये ट्वीट किया था ना कि हाँ ग्रो अप, तुम जैसे हेटर्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है ये सब, पैसे की कमी के लिए नहीं, तो भाई आपको किसने बोला है कि हेटर्स पैसे दे के सब्सक्राइब नहीं कर सकते? जिनको हेट देना होगा वो ईजीली पैसे दे के सब्सक्राइब करके हेट देंगे, ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये सीरियसली कौन सा लॉजिक हुआ? इंसान की ना सिर्फ शक्ल और सूरत होने से सीरत अच्छी नहीं होती अभिया वालों, सूरत चाहे कैसी भी हो दैट डजंट मैटर, सीरत अच्छी होना बहुत ज़रूरी होता है। ये तुम लोग क्यों नहीं समझते यार? मैं इन अभिया वालों की तरह नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, जो यू नो किसी को ड्रैग करने के लिए कुछ भी अंड शंड बके, शक्ल की बात मैं नहीं कर रही, बट एटलीस्ट सीरत तो अच्छी होनी चाहिए थी। हम लोग तो बहुत खुश हैं, हम लोग तो बहुत ही खुश हैं क्योंकि मनीषा के पास शक्ल भी अच्छी है, सूरत भी अच्छी है और सीरत भी अच्छी है, मनीषा के पास दोनों अच्छी है। मैं शक्ल सूरत की बात छोड़ भी दूँ ना तो उस जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है अपने लाइफ में, और ये फैक्ट बता रही हूँ, ये सिंपली फैक्ट बता रही हूँ। सिर्फ वो नहीं, सिर्फ वो ही नहीं, इवन अभिषेक, इतने अच्छे दिल के इंसान है ना ये दोनों, इसीलिए इन लोगों को ट्विन फ्लेम्स बोला जाता है, इतने अच्छे दिल के इंसान हैं। मैं बिग बॉस OTT 2 नहीं देखती ना, मुझे पता ही नहीं चलता कि इतने अच्छे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, इट्स अ फैक्ट। बाकी अगर आप लोग मेरे बातों से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अभिया वालों में आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, लोग साबुन का पानी पीना कम बंद करोगे? ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे बहुत जल्द 50 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जैसे ही 50 सब्सक्राइबर होते हैं मैं पहला लाइव आऊँगी और विल डिस्कस अबाउट अभिषा एंड ऑल दिस थिंग्स। मेरे लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दे रहा है, बहुत प्यार दे रहे हो, और प्यार दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करना। टेक केयर, बाय बाय।